नमस्कार दोस्तों, के डी वर्क में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेकर आए हैं चौखट का चूल बहुत आसान तरीका से कैसे बनता है। तो ये देख सकते हैं, 4 दिन का चौखट है। तो ये दो चौखट ले लेना है, उसके बाद बटा में एक और एक साइड जो है बटा में चारों साइड कर लेना है। देख सकते हैं दोनों को उसी तरह से कर लेना है। उसके बाद करना क्या है, ये दरस लगा देना है, जो कि दरस के बारे में बताएंगे आगे आपको। इस तरह से लगा देना है बटाम में, इस तरह से करके उसके इसका मोटाई देख लेना है। इसका इसका मोटाई देख लेना, जितना मोटाई रहेगा उतना ही आपको दाग लगाना है लंबाई में। इस तरह से देख सकते हैं बटाम लगा लें, इस तरह से बटाम लगा के, दोनों में बटाम लगा के उसके दाग को दोनों साइड घुरा देना है, चारों साइड दोनों में इसी तरह से दाग को घुरा के। देख सकते हैं ये हो चुका है। उसके बाद करना क्या दोस्तों, ये एक बिट्ठा बना लेना है, जो कि आप बिट्ठा इस तरह से बना के दरस के तरफ से 1.25 इंची दाग लगाना है, वहाँ से आपको 1.5 इंची दाग लगाना है। देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद 1.5 इंची का 20 सेंटर में दाग लगाना है, आपको 3 दाग लगाना है इस तरह से, देख सकते हैं। उसके बाद बिट्ठा ले लेना है आपको, बिट्ठा में भी दाग लगा देना है 3 दाग इस तरह से। उसके बाद बटाम लगा के दाग को खींच लें इस तरह से। उसके इसको कलम से इस तरह से 20 सेंटर दाग लगा दें, कांटी 3 कांटी लगा दें इसमें, 3 कांटी इससे लगा दें। उसके बाद रेती से इसको कटिंग कर दें, तीनों कांटी को कटिंग कर दें सही तरीके से दोस्तों। इस तरह से कटिंग करके धार लगा दें, देख सकते हैं तीनों में उसी तरह से धार लगा देना है। इस तरह से धार लग चुका, बिट्ठा ये तैयार हो चुका है। इस तरह से बिट्ठा को तैयार कर लेना है, देख सकते हैं 3 कांटी लगा के दाग को इस तरह से मिला देना है चौखट में। इस तरह से ये मिल चुका है दरस, हमको दाग को लगाना है दोस्तों, दरस के तरफ से ही दाग खींचना है। इस तरह से बिट्ठा लगाना है, देख सकते हैं इस तरह से हो चुका है। इस तरह से बिट्ठा लगा देना है, देख सकते हैं इस तरह से दोनों में उसी तरह से बिट्ठा लगा देंगे। इस तरह से दरस दो साइड दरस लगाएंगे हम, जो कि ये दरस इस तरह से लगाना है, जो कि खांचा दरस के तरफ से ही निकलता है। तो इस तरह से एक तरफ तिरछा दाग लगा दें, इस तरह से दाग लगाएं मार्कर से लगा के इस तरह से, जो कि कटिंग वाला दाग देख रहे हैं वो कटिंग होगा। इस तरह से कटिंग कर देना है, 20 सेंटर का रहने देना है, दोनों साइड का कटिंग करके निकाल देना है। ये इस तरह से कटिंग होगा दोस्तों दोनों साइड। इस तरह से चूल बनाने से आसान है, आसान इसी ऐसा है दोस्तों कि एक ही तरफ सीधा कटिंग करना पड़ता है, एक तरफ तिरछा करना पड़ता है, इसमें छेदा होगा दोस्तों, तो इसमें भी इसी तरह से दाग लगा देना है। तो इसका 20 सेंटर का कटिंग करके निकलेगा, इसमें छेदा होगा दोस्तों, उसमें चूल होगा, तो इसको इसी तरह से दाग लगा के देख सकते हैं। जो कटिंग जो देख रहे हैं वो उसमें कटिंग होगा, छेदा होगा। इस तरह से दोनों में निशान लगा देना है। तो इसको पहले चूल बनाएंगे, चूल वाला इस तरह से दोनों साइड कटिंग कर लेना है, दाग के हिसाब से कटिंग करके चूल को फाड़ लेना है इस तरह से चौरसी की मदद से, जो कि एक तरफ तिरछा होगा एक तरफ सीधा ही बनेगा। सीधा इस तरह से बना लेना है, जो कि बहुत आसान बनाना है चूल दोस्तों। देख सकते हैं ये 1.5 इंची का चूल है, जो कि एक तरफ सीधा है एक तरफ तिरछा बनता है। तो उसमें एक ही तरफ आपको तिरछा करना पड़ता है, एक तरफ सीधा चिरने से होता है क्या दोस्तों, देख सकते हैं। तो आपका चूल बहुत जल्दी बन जाएगा आपको दोस्तों, दिक्कत नहीं होगा। एक तरफ तिरछा कटिंग करें, एक तरफ सीधा कटिंग करके चूल आप बना के बहुत आसानी से चूल ये चौखट आप साल सकते हैं, चौखट बना सकते हैं बहुत जल्दी ही में है। देख सकते हैं इस तरह से कटिंग करके ये कटिंग हो चुका है। तो इसको चौरसी की मदद से कटिंग करके निकाल देंगे हम, देख सकते हैं इस तरह से दोनों साइड से घुराते हुए कटिंग कर देना है, चौरसी की मदद से कटिंग करके इसको निकाल देना है। ये हो चुका है दोस्तों, दोनों तरफ फ्रेश कर लेना है। ये देख सकते हैं ये छेदा हो चुका है, देख सकते हैं इस तरह से छेदा को कर लेना है, एक तरफ तिरछा एक तरफ सीधा। इसके बाद चूल भी बन चुका है, देख सकते हैं बहुत आसानी से ये इधर से 1.25 इंची कटिंग होगा, इधर से 1/2 इंची कटिंग करके ये कटिंग होके निकलेगा। तो दरस दोनों मिला के इस तरह से लगाना है, बहुत आसान है दोस्तों, देख सकते हैं
ये पूरा इसमें बटन भी आपको लगाना नहीं पड़ेगा, कोना भी नहीं होगा, बहुत आसान तरीका। देख सकते हैं किस तरह से ये बनता है। तो इस तरह से बना के बटन लगा दें, उसके बाद इस तरह से फंसाएं, जो कि देख सकते हैं कितना आसान है। इस तरह से चूल बना के आप चौखट आप बना सकते हैं, जो कि ये पूरा आसान है, सीधा है। इस तरह से खांचा निकलेगा दोस्तों, दाग जो देख रहे हैं इस तरह, इधर से हाफ इंची होगा दोस्तों, 3 इंची के तरफ से हाफ इंची होगा। इधर दरस, आप लकड़ी साफ करें तो दरस लगा दें दो तरफ, जो कि आपको याद रहेगा दरस के तरफ ही खांचा निकलेगा दोस्तों। तो दो तरफ दाग लगा के इस तरह से आप खांचा निकाल सकते हैं, 1 इंची 3 सुता, उसके बाद हाफ इंची, इस तरह से खांचा निकलेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।